हेलो, वेलकम टू लेट्स लर्न हाउ टू लर्न। आज हम आए एक नई क्वेश्चन के साथ जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर टॉपिक के ऊपर है और ये जेईई मेंस 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। ओके, सो क्वेश्चन क्या कहता है एक बार देख लेते हैं। इफ अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है, अल्फा एंड बीटा के दो रूट्स हैं। हमें पता भी है कि अगर कोई एन डिग्री की, अगर कोई हमारे पास एन डिग्री की इक्वेशन है, पॉलीनोमियल इक्वेशन है, तो उसके पास एन रूट्स होंगे। कितने रूट्स होंगे एग्जैक्टली? एन रूट्स होंगे, मे बी रियल, मे बी कॉम्प्लेक्स और मे बी मिक्स अप। ओके, देन द लीस्ट वैल्यू ऑफ एन फॉर विच अल्फा अपॉन बीटा होल रेस टू द पावर एन इक्वल टू वन हमें फाइंड करनी है एन की वैल्यू, जिसके लिए मतलब हम अल्फा फाइंड करें, हम बीटा फाइंड करें, उन अल्फा अपॉन बीटा निकालें और होल पावर एन करके हम ये देखें कि लीस्ट वैल्यू ऑफ एन क्या आएगी जिसके लिए वो बन देगा। ओके, सो पहले एग्जैक्टली रूट्स निकालने पड़ेंगे हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। ओके, निकालते हैं एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर मैं इसको कंपेयर करूँ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो से, तो हमारी ए की वैल्यू आएगी वन, बी की वैल्यू आएगी माइनस टू और सी की वैल्यू टू आएगी। ओके, नाउ अब हम डी निकालते हैं जिससे कंफर्म होगा कि रूट्स रियल हैं या फिर हमारी इमेजिनरी हैं। सो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, डिस्क्रिमिनेट वाला बी हमारा क्या है, माइनस टू का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस फोर इंटू वन इंटू टू। सो यहाँ से ये फोर माइनस एट माइनस फोर आ गया, लेस देन जीरो है। हमें पता है इफ डी अगर हमारा लेस देन जीरो है देन रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर इमेजिनरी, क्या होंगे, इमेजिनरी या कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ओके, सो रूट्स कितने निकालेंगे, एक्स इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ डी अपॉन टू ए, ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर एक्स इक्वल्स टू माइनस मीन्स यहाँ पर ये हमारा टू आ जाएगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस फोर अपॉन टू इंटू वन। सो एक्स की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर क्या होगी, टू प्लस माइनस ये टू आई अपॉन टू हो गया, एक्स की वैल्यू वन प्लस आई वन माइनस आई आ गई यहाँ से। नाउ अब आप एक चीज ऑब्जर्व करिए कि अल्फा की वैल्यू कितनी हो गई, वन प्लस आई हो गई, बीटा की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर कितनी हो गई, वन माइनस आई हो गई हमारे पास यहाँ पर। ऑब्वियसली दो रूट्स आ गए हमारे पास यहाँ पर। नाउ अल्फा अपॉन बीटा होल पावर एन के लिए हमें वन हमें ढूंढना है कि स्मॉलेस्ट एन कितना होगा। सो पहले अल्फा अपॉन बीटा हमें एक्जैक्टली फाइंड कर लें क्योंकि ये फ्रैक्शन फॉर्म में है, हम अल्फा अपॉन बीटा को ए प्लस आई बी की फॉर्म में कन्वर्ट कर लें। कन्वर्ट करने का तरीका सिंपल है, ये वन प्लस आई है, ये हमारा वन माइनस आई है, तो हम इसको रेशनलाइज कर लेंगे इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करके, वन प्लस आई वन प्लस आई, और ये हमारा आ जाएगा वन प्लस आई का होल स्क्वायर अपॉन हियर हमारे पास यहाँ जाएगा टू, क्योंकि वन का स्क्वायर और आई का स्क्वायर, और आई का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है, माइनस वन होता है, ये होगा वन, ये होगा हमारे पास यहाँ पर आई का स्क्वायर दैट इज माइनस वन, और ये होगा टू आई, और ये हमारा टू, तो ये जाएगा आई, आई आ गया हमारे पास यहाँ पर आई। ओके, नाउ अब आप ऑब्जर्व करो हमें क्या आता है, आई की पावर एन इक्वल टू वन। ओके, बिकॉज हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे अल्फा अपॉन बीटा की, दैट इज आई आ गई हमारे पास यहाँ पर। कितनी है हमारे पास अल्फा अपॉन बीटा की वैल्यू, हमारी अल्फा अपॉन बीटा की वैल्यू आई है यहाँ से, और ये वैल्यू हम पुट कर देंगे यहाँ पर, और आई इस पर एन हो जाएगा, और हमें पता है आई की पावर वन करेंगे तो आई आएगा, आई का स्क्वायर करेंगे तो माइनस वन आएगा, आई का क्यूब करेंगे तो माइनस आई आएगा, तो लीस्ट पावर क्या होगी, फोर। सो इट इम्प्लाइज दैट एन की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर फोर आएगी, जो सबसे छोटी पावर है एन की, जिसके लिए अल्फा अपॉन बीटा वन देगा। ओके, सो हमारा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से ए ऑप्शन। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।